हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट ऑथर्स की बायोग्राफी लेके आया हूँ। ये वीडियो कई पार्ट्स में डिवाइड है, आज मैं आपके लिए पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी ऑफ प्रोमिनेंट ऑथर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहले मैंने इसमें सबसे प्रोमिनेंट ऑथर राजा राव से मैं स्टार्ट करता हूँ। राजा राव का जन्म 8 नवंबर 1908 को हसन मैसूर में हुआ था। ये तब की बात है जब इंडिया गुलाम था, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के राइटर लगभग सभी के सभी ब्रिटिश इंडियन में जन्मे हुए हैं। इनकी डेथ 8 जुलाई 2006 में 97 की एज में यूएस में हुई थी। ये नॉवल, शॉर्ट स्टोरी और ऐसे लिखते थे। इनका सबसे फेमस वर्क्स में से एक है कांथापुरा। कांथापुरा के डिटेल स्टडी के लिए मैंने कांथापुरा पे वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हैं। द सर्पेंट एंड द रोप, द कैट एंड द शेक्सपियर, कॉम्रेड किरिलोव, द चेस मास्टर एंड हिज मूव। अब हम इनके अवार्ड्स की बात करते हैं। 1964 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, 1969 में पद्म भूषण मिला, नेक्स्ट एट इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर 1988 में मिला और पद्म विभूषण 2007 में इनको मिला। नेक्स्ट हमारे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कवि गुरु, विश्व कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 7 मई 1816 में कैलकाटा में हुआ था और इनकी डेथ 7 अगस्त 1941 को 80 ईयर्स की एज में कलकत्ता में हुई थी। इनका पैन नेम भानु सिंह ठाकुर भानिता था और इनका इन्होंने स्यूडो नेम भानु सिम्हा, यानी कि सन लॉयन के नाम से, भानु मतलब सूर्य के नाम से इन्होंने कुछ वर्क लिखे। ये बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे और इनके पीरियड को बंगाली रेनेसां पीरियड कहा जाता है। इन्होंने एक लिटरेरी मूवमेंट भी स्टार्ट हुई जिसका नाम है कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म। इनके नोटेबल वर्क्स में एक है गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग, गोरा, फेयर फेस्ड, घरे भरे, द होम एंड द वर्ल्ड, भारत का जनगणमन और बांग्ला जो राष्ट्रीय एंथम है जनगणमन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय एंथम अमार सोनार बांग्ला, ये दोनों इनके द्वारा लिखे गए हैं। ये पहले कवि हैं जिन्होंने दो देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं और श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी इनके वर्क से इंस्पायर्ड था। इसके अलावा इन्होंने रविंद्र संगीत की भी स्थापना की। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट है सर नीरज सी चौधरी। इनका जन्म नवंबर 23, 1897 को किशोरगंज, ईस्ट बंगाल, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। ये जो किशोरगंज है अब ये बांग्लादेश में है। इनकी डेथ अगस्त 1, 1919 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुई थी। इनका सबसे फेमस वर्क है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, जो कि इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की मेमोरी को डेडिकेट कर दिया है। और इनकी फेमस लाइन है ऑल दैट वाज गुड एंड लिविंग विद इन अस वाज मेड शेप्ड एंड क्विकेंड बाय द सेम ब्रिटिश रूल, कि हमारे अंदर जो भी अच्छा है, जो भी हमारे अंदर लिविंग है, उसको मेड शेप और उसे किसने बनाया था, उसे ब्रिटिश रूल ने किया था। इसके कारण इन्हें लास्ट ब्रिटिश एम्पायरलिस्ट, आखिरी ब्रिटिश साम्राज्यवादी एंड लास्ट ऑफ द ब्राउन साहिब भी कहा जाता है। ब्राउन साहिब यानी कि भूरे साहब, जैसे अंग्रेजों को गोरा साहब, व्हाइट साहब कहा जाता था, इन्हें ब्राउन साहब कहा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का फाइनल वॉल्यूम का नाम है दाई हैंड्स ग्रेट अनार्क, 1987 में पब्लिश हुई थी। थ्री हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोक्लिप्स इनका एक ऐसे कलेक्शन है, वो भी 1997 में पब्लिश हुआ था। 1966 में इन्होंने एक वर्क लिखा था द कॉन्टिनेंट ऑफ सिल्क, इसे डफ कोपर मेमोरियल अवार्ड मिला गया। ये आज तक किसी भी, ये पहले ही इंडियन थे जिन्हें मिला और आज तक यही एक इंडियन है
जिन्हें डफ कॉपर मेमोरियल अवार्ड मिला। इन्हें इन्होंने मैक्स मूलर की बायोग्राफी लिखी थी, जिसके कारण इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। एक इन्हें ऑनरेरी सीबीई कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला, जो कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने इन्हें 1992 में दिया था। अब हम तीसरे राइटर पुरुषोत्तम लाल, पी लाल। राइटर बहुत ही फेमस हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन इनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक पोइट थे। इनका जन्म 28 अगस्त 1929 को कपूरथला पंजाब में हुआ था और इनकी डेथ 3 नवंबर 2010 को कलकत्ता इंडिया में हुई। ये इंडियन क्लासिकल्स पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। इन्होंने महाभारत का ट्रांसलेशन किया और उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया। इनका जो महाभारत का किया हुआ ट्रांसलेशन है, वैसे महाभारत के ऊपर 300 से ज्यादा ट्रांसलेशन हो चुके, लेकिन इनका ट्रांसलेशन सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। सभी 18 इंडियन जो भाषाएं हैं उसके अंदर ये ट्रांसलेशन ट्रांसलेट हो चुका है। इसके कारण इन्हें पद्मश्री मिला। इसके अलावा वेस्टर्न मैरीलैंड कॉलेज ने इन्हें डीएल की उपाधि दी। और इसके अलावा इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क में से एक वर्क है, इन्होंने 1958 में कैलकटा में राइटर वर्कशॉप की स्थापना की और उसके ये पब्लिशर बने। इसके अंदर नए नए कवियों की पोइम्स छापी जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास है सर रामनाथ काक। बहुत सारे लोगों ने अभी इनका नाम भी नहीं सुना होगा। रामनाथ काक के ऊपर ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1917 को इंडिया में हुआ और इनकी डेथ 8 जुलाई 1933 को 75 इयर्स की एज में यूएस में हुई थी। ये एक रिटायर्ड डॉक्टर थे, वेटरन डॉक्टर थे, फिजिशियन थे ये। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ऑटम लीव्स, इसे 20th सेंचुरी के कश्मीर की जो का जो सबसे ज्यादा विविड पोर्ट्रेट माना जाता है और ये एक प्रकार का क्लासिकल बन चुका है। इंग्लिश राइटर ताया जिनकिन ने इनकी बुक को एंथ्रेलिंग रीडिंग का दर्जा दिया है। द बुक वॉज टर्म्ड एंथ्रेलिंग रीडिंग बाय द इंग्लिश राइटर ताया जिनकिन। नेक्स्ट हम करते हैं सर रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, यानी कि आर के नारायण। ये एक बार नेट में क्वेश्चन आ चुका है कि इनका पूरा नाम क्या था। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी 10 अक्टूबर 1906 को जन्म हुआ और 13 मई 2001 को इनकी डेथ हुई। नारायणन के जो मेंटर हैं, जिन्हें इनका नाम है ग्राहम ग्रीन, आर के नारायणन को पहले पब्लिशर नहीं मिले थे, तो इनके पब्लिशर दिलाने का काम इन्होंने ग्राहम ग्रीन को दिया था और ग्राहम ग्रीन से इनको पब्लिशर मिले थे। एक तो ये बात याद रखने की साहब इनके मेंटर कौन थे। दूसरी बात, इन्होंने एक फिक्शनल टाउन मालगुडी डेज के नाम से इस्टेब्लिश किया था। ये मैसूर पर बेस्ड एक फिक्शनल टाउन, काल्पनिक टाउन था, इसीलिए इनके जो इनको एक रीजनल नोवलिस्ट कहा जाता है। मैंने रीजनल नोवेल्स पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए, आपको रीजनल नोवेल्स की सारी बात समझ में आ जाएगी। रीजनल नोवलिस्ट वो नोवलिस्ट होते हैं जिनके सारे वर्क जो होते हैं किसी एक टाउन में बेस्ड होते हैं। जैसे कि थॉमस हार्डी है, वो वेसेक्स में लिखते हैं, तो उनके जितना भी वर्क है वो सारा का सारा वेसेक्स पे बेस्ड है। इसी तरह से विलियम फोकनर है, फोकनर जो है वो योकना पटवाहा कंट्री के अंदर लिखते हैं, तो वो उनकी फिक्शनल टाउन है। इन्होंने जो अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब इन्होंने जो फिक्शनल टाउन मालगुडी था, वो सबसे पहले इनका वर्क था स्वामी एंड फ्रेंड, उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। 1951 में नारायणन का जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट था उसे मोस्ट ओरिजिनल वर्क माना गया। इन्हें
साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है द गाइड के लिए, और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है और ब्रॉडवे पब्लिकेशन भी हुआ है। इनको विलियम फोकनर से कंपेयर किया जाता था, क्योंकि फोक जैसे इन्होंने मालगुडी बनाया था वैसे ही फोकनर ने योक नाम पटवा कंटी काउंटी बनाया था, और वो भी हर रोज की जिंदगी के अंदर ह्यूमर और कंपैशन के ऊपर लिखा करते थे। ये शॉर्ट स्टोरी लिखते थे और इनकी शॉर्ट स्टोरी को मशहूर फ्रेंच राइटर गाय दी मस्पसेंट के साथ कंपेयर किया जाता था। वैसे इनको क्रिटिसाइज किया जाता था क्योंकि इनका प्रोज बहुत ज्यादा सिंपल होता था। बहुत अवार्ड मिले हैं, मैंने इनके मेन मेन अवार्ड लिखे हैं। एसी बेंसन मेडल इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर से मिला। 1958 में इन्हें लिटरेरी एकेडमी से नेशनल प्राइज मिला। 1964 में पद्म भूषण मिला। 1965 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल अवार्ड मिला। 1978 में इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन अवार्ड मिला इनकी ऑटोबायोग्राफी माय डेज के लिए। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा इन्हें राज्यसभा में एमपी भी नॉमिनेट किया गया। अब हम बात करते हैं इनके वर्ष को डिटेल में। आर के नारायणन ने सबसे पहले 1933 में मद्रास न्यूज़पेपर द जस्टिस के लिए लिखना स्टार्ट किया। इनका पहला नॉवल जो मैंने आपको बताया स्वामी और फ्रेंड है, जिसके अंदर इन्होंने मालगुडी जो थी मालगुडी को इंट्रोड्यूस किया। ये दो यंग इंडियन बॉयज की स्टोरी है जो कि इस कंट्री में रहते थे। अब इसके बाद इन्होंने जब ये लिख लिया ना, अपने फ्रेंड को इंग्लैंड में भेजा कि भाई इसे क्या है, तुम कोई पब्लिशर देखो। वो पब्लिशर नहीं मिला। दुख में आकर नारायणन ने बोला कि यार इस स्वामी एंड फ्रेंड को आप डिस्ट्रॉय कर दो। पर वो फ्रेंड जो था वो मैन्युस्क्रिप्ट को राइटर ग्राहम ग्रीन के पास ले गया, जो इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए कि अपने साइन के साथ उन्होंने पब्लिशर को भेज दिया। इनकी सेकेंड बुक थी द बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो इसके दो साल बाद बनी। इसमें इन्होंने एक यंग मैन की मैरिज के ऊपर स्टोरी बनाई, और वो मैरिज कैसे अरेंज होती है, जैसे राइटर की खुद की मैरिज अरेंज हुई थी होरोस्कोप की मदद से, कुंडली की मदद से। इस तरह से ये थोड़ी बहुत क्या है, ऑटोबायोग्राफी बन जाती है। अब याद तो आपको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है डार्क रूम। डार्क रूम भी मैरिज पर है। नारायणन की मैरिज तो वैसे हैप्पी थी, लेकिन ये अनहैप्पी मैरिज थी। नारायणन की जो वाइफ जिसका नाम है राजम, वो जल्दी मर गई थी टाइफाइड के कारण। और इससे क्या हुआ कि जो नारायणन को एक क्राइसिस, स्पिरिचुअल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, वो इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो गए। इसके बाद 1937 इनकी डेथ होगी, तो इसके बाद नारायणन मैगजीन्स में आर्टिकल बेचने लगे। उस साल एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई, विलियम सोमरसेट मोगम मैसूर आए और उन्होंने नारायणन के वर्क्स को पढ़ा। 1938 में इन्हें एक गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई ताकि वो कर्नाटक के बारे में एक ट्रेवल बुक लिखें, और इससे उन्होंने जो एक्सपीरियंस मिला उससे उन्होंने काफी सारे वर्क लिखे। 1939 में उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए स्टोरी लिखना स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने अपना पब्लिश एक पीरियोडिकल स्टार्ट किया, इंडियन थॉट्स 1941 में। द इंग्लिश टीचर जो कि 1945 में पब्लिश हुआ था, ये एक स्कूल टीचर, अंग्रेजी के स्कूल टीचर की स्टोरी है जिसकी वाइफ मर जाती है। इसके बाद में 1940 में नारायणन एक शॉर्ट स्टोरी राइटर बन गए। इनकी काफी सारी शॉर्ट छोटी छोटी स्टोरी हैं जो अधिकतर मालगुडी में ही सेट हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर डे और अदर स्टोरी एंड ए हॉर्स एंड ए गोट एंड अदर स्टोरी। ये दो इनके फेमस शॉर्ट स्टोरी वर्क हमें याद रखने हैं, एस्ट्रोलॉजर डे एंड हॉर्स एंड ए गोट। अब इसके बाद इन्होंने एक नॉवल लिखा मिस्टर संपत, जिसमें इन्होंने जो अलग अलग मालगुडीज में करेक्टर दिखाए थे उन करेक्टर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। इसमें क्या था, एक प्रिंटर भी था और एक बनियन ट्री फाइनेंशियल एडवाइजर जो बाद में एक मनी लेंडर बन जाता है। इस स्टोरी का योज इन्होंने द फाइनेंशियल एक्सपर्ट में किया था।
इसके बाद इन्हें रॉकफेलर फाउंडेशन ग्रांट मिली। तो नारायणन जो है वो 1956 में पहली बार यूएस गए और इस यूएस से आने के बाद उन्होंने एक ट्रेवल स्केच लिखा जिसका नाम है माई डेटलेस डायरी। सबसे ज्यादा फेमस है इनका नाटक द गाइड। द गाइड जो है वो एक सिंगल कलेक्टर की स्टार्टिंग से हुआ जो पहले एक ट्रिकस्टर धोखा देने वाला होता है और जेल से आने के बाद संत बन जाता है। 1964 में गाइड पर एक फिल्म बनी और 1968 में इसका स्टेज वर्जन स्टार्ट हुआ। नारायणन की ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको पहले ही बताया जिसका नाम है माई डेज। ये इनका लाइफ के बारे में एटीट्यूड बताती है। इसी तरह ए टाइगर फॉर मालगुड़ी में ये एक टाइगर के बारे में बताता है जो कि अपना स्पिरिचुअल लेसन सीख लेता है। इनकी मजाकिया स्टोरी ए हॉर्स एंड टू गोट्स में कंफ्यूजन को दिखाया जाता है जब एक न्यूयॉर्क का रहने वाला बंदा जो सिर्फ अंग्रेजी बोलता है उसे एक गरीब भारतीय मिलता है जिसे अंग्रेजी नहीं आती है। तो न्यूयॉर्क वाला बंदा जो है वो इंडियन को रोड साइड स्टैचू के लिए के लिए पे कर उसे ले जाता है। इंडियन सोचता है कि उसने अपनी बकरियों को बहुत बड़े दामों पर बेच दिया है। जब वो घर पे पैसे लेके आता है तो वाइफ को शक हो जाता है और बकरियां भी वापिस आ जाती है। तब उसको लगता है कि पुलिस जल्दी पकड़ लेगी और वाइफ कहती है कि मैं तो अपने मायके जा रही हूं। इनकी दो नॉवेल्स के अंदर गांधी जी आए हैं। पहला है वेटिंग फॉर द महात्मा जो 1955 में पब्लिश हुआ था जिसमें इसके अंदर दो प्रोटागोनिस्ट है जो कि गांधी जी के शिष्य हैं और एक है द स्वीट वेंडर ऑफ स्वीट्स या स्वीट वेंडर जो कि 1967 में पब्लिश हुआ था। मैंने वेंडर ऑफ स्वीट्स के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। दो ही नॉवेल्स में इनका गांधी जी आए हैं, एक वेटिंग फॉर महात्मा और दूसरा वेंडर ऑफ स्वीट। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे मुल्क राज आनंद। जन्म 12 दिसंबर 1905 पेशावर में हुआ था, अभी ये पेशावर पाकिस्तान में है, और डेथ 28 सितंबर 2004 को पुणे में हुई थी। इनका राइटिंग कैरियर इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इन्होंने कुछ शॉर्ट रिव्यूज लिखे टीएस इलियट की फेमस मैगजीन क्राइटेरिया में। महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनका फर्स्ट नॉवल है अनटचेबल जो कि ब्रिटिश फर्म विश आर्ट ने 1935 में पब्लिश किया था। ये बाका नाम के एक बच्चा जो कि एक टॉयलेट क्लीनर बन जाता है क्योंकि वो एक एससी का एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी लाइफ के एक दिन के बारे में बताता है। ये प्लॉट इस कहानी पर चलता है कि जब वो एक अपर कास्ट आदमी से मिलता है तो उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ये नॉवल जो है हमें कास्ट सिस्टम के द्वारा की गई जातियों के बारे में भी याद कराता है। सेकंड नॉवल है टू लीव्स एंड ए बर्ड। ये भी इसी तरीके से डील करता है कि जिस तरह से लोअर कास्ट पीपल जो हैं उनका इंडिया में एक्सप्लोइटेशन किया जाता है। एक गरीब किसान जिसे एक अंग्रेज ऑफिसर बुरी तरह से इसलिए मार देता है क्योंकि वो अंग्रेज ऑफिसर उसकी बेटी को रेप करना चाहता है। फिर 1939 लिखा द विलेज। ये इनकी एक ट्रायोलॉजी है जिसका फर्स्ट है द विलेज, सेकंड पार्ट है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड थर्ड द सोर्ड एंड द सिकल। इन्होंने 1946 में फाइन आर्ट मैगजीन मार्क की स्थापना की। ललित कला एकेडमी के ये चेयरमैन रहे 65 से 70 तक। लोकायता ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रहे 1970 में। इन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड मिला 1967 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला इनके नॉवल द मॉर्निंग फेस के लिए 1968 में। कमला मार्कंडे, जन्म 1 जनवरी 1924, डेथ 16 मई 2004, 80 साल की एज में। कमला मार्कंडे के चार फेमस नॉवल हैं। पहला है नेक्टर इन ए सीव, दूसरा ए हैंडफुल ऑफ डिजायर, तीसरा ए साइलेंस ऑफ डिजायर, ए हैंडफुल ऑफ राइस एंड द कॉफर डैम्स। नेक्टर इन ए सीव सबसे फेमस है इनका। इसमें एक औरत की स्टोरी है
जिसको जिंदगी में बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये नोवेल जो है इसका टाइटल है एसटी कोलरिज की लिखी हुई एक पोइम से लिया गया है, और ये जो नोवेल है मार्कंडे की फॉरवर्ड थिंकिंग पर्सपेक्टिव को दिखाता है। इस नोवेल की तुलना थॉमस हार्डी के नोवेल से भी की जाती है। इसमें एक बहुत जबरदस्त फीमेल करेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। इससे इसकी आशावाद से मार्कंडे जो है वो करेक्टर्स और कंट्री के बारे में फ्यूचर बढ़िया फ्यूचर दिखा सकती है। लेकिन ये जो नोवेल है वो लाइफ की रियलिटी और डिसअपॉइंटमेंट्स को भी अच्छी तरह से दिखाता है। इसमें एक हाईली एजुकेटेड वुमन और उसका एक इंग्लिश लवर है जो कि क्विट इंडिया कैंपेन के कारण अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उस समय वेस्टर्न और इंडियन इंफ्लुएंस में लड़ाई चल रही थी। साइलेंस ऑफ डिजायर मिडिल क्लास लोगों से डील करता है। ए हैंडफुल राइस सिटी के पुअर लोगों से डील करता है जो कि वेस्ट एंड ऑफ लंदन से एक साउथ इंडियन विलेज में आ जाते हैं, और इसमें ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के साथ जो भारतीय आध्यात्मिकता का मुकाबला वेस्टर्न मटेरियलिज्म से होता है। कोफर डीम एक कंटेम्परेरी एग्जामिनेशन है कि एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी जो है उसे इंडिया में डैम बुलाने के लिए बुलाया जाता है, डैम बनाने के लिए बुलाया जाता है, तो उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताती है। नेक्स्ट है हमारा मनोज दास। मनोज दास के ऊपर भी ज्यादा हमारे को कुछ नहीं मिलता है। मनोज दास को ये 1934 में जन्म हुआ था। ये एक बहुत ही मशहूर उड़िया इंग्लिश राइटर है। इन्हें 2000 में सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री 2001 में मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इन्होंने सबसे पहले 1970 में लंदन और एडिनबर्ग के अचीव्स में इन्होंने जो रिसर्च की उससे पता चला कि भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल में श्री अरविंदो ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसके कारण इन्हें श्री अरविंदो पुरस्कार कोलकाता में मिला। इनके फेमस वर्क में एस्केपिस्ट, चंद्रलोकारा प्रहरी, अक्षर इशारा, अमृत फल, ए टाइगर एट ट्वाइलाइट, इनके ये दो बहुत फेमस है, एस्केपिस्ट एंड ए टाइगर ऑफ ट्वाइलाइट, साइक्लोन्स फेमस है, प्रभांजना, गोदरिल्ला बागा, कन्या उपत्यका कहानी और अमृत फल, ये ज्यादा फेमस नहीं है। अब इसके बाद है मनोहर मांगलोकर, जिनका जन्म 12 जुलाई 1913 को कारवार डिस्ट्रिक्ट में हुआ और डेथ 14 जून 2010 को जोएडा में हुई। इनका सबसे फेमस वर्क में एक है, क्योंकि ये एक आर्मी ऑफिसर थे, पर फेमस वर्क है ए बैंड इन दी गंगे, जिसमें इन्होंने पार्टीशन के बाद में तीन करेक्टर्स की जिंदगी के बारे में बताया है। मांगोलकर जो थे ज्यादातर, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेकेंड वर्ल्ड वार में वर्क कर चुके थे, इसलिए वो ज्यादातर अपना एक्सपीरियंस पर लिखते थे। इनकी फर्स्ट नोवेल है डिस्टेंट ड्रम्स, ये इंडियन आर्मीज के अकाउंट, लाइफ अकाउंट के बारे में बताता है अंग्रेजों के दिनों में। इसके अलावा इन्होंने एक थ्रिलिंग नोवेल लिखा ओपन सीजन, जिसके ये वैसे तो फिल्म स्क्रिप्ट थी जिसे बाद में उन्होंने नोवेल में कन्वर्ट किया। ए स्पाई इन नंबर बहुत फेमस है क्योंकि इस पर एक बहुत मशहूर फिल्म बनी है शालीमार वाली, जिसमें जर्मिंदर होते हैं। बैंडी कटरन एक डिटेक्टिव स्टोरी है, हिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्रभावित है इसलिए उन्होंने दो फेमस वर्क लिखे, द डेविल्स माइंड एंड द मैन हु किल्ड गांधी। वैसे इनका सबसे मशहूर वर्क में एक है द प्रिंसेस अबाउट द इंडियन रॉयल फैमिली। कुछ नॉन फिक्शन बुक भी लिखी जो बहुत फेमस है, जैसे कन्होजी अंग्रे, देवास सीनियर्स के पुरु और छत्रपति ऑफ कोल्हापुर। आर के नारायणन ने इनके बारे में कहा था कि ये उनके सबसे फेवरेट इंडियन नॉवलिस्ट हैं इंग्लिश के अंदर। इससे पता चलता है कि कितने ज्यादा फेमस थे, पर दुर्भाग्य से इन्हें हिस्ट्री में ज्यादा स्थान नहीं मिल पाया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।